हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 की साइंस की वर्कशीट नंबर 8 कर रहे हैं। ये 12 अगस्त के लिए आई है। इसमें हम न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। डाइजेशन इन ह्यूमन, आज हमें टीथ, टंग और डेंटल केयर के बारे में पढ़ना है। राजू वॉज गेटिंग रेडी फॉर स्कूल, सो ही वॉज टेकिंग हिज ब्रेकफास्ट वेरी फास्ट एंड विदाउट प्रॉपरली च्यूइंग। राजू अपने स्कूल के लिए तैयार हो रहा था, इसलिए जल्दी जल्दी खाना खा रहा था और उसने उसको ढंग से चबाया भी नहीं। His mother asked him to chew his food properly before intake. इसलिए मम्मी ने क्या कहा? ढंग से खाना खाओ, ढंग से चबाओ। Could you think why did she ask so? Let us explore. आप बता सकते हैं कि वो ऐसा क्यों कह रही थी? Food is taken into the body through the mouth. The process of taking food into the body is called ingestion. जब हम खाने को मुंह से अंदर लेते हैं तो इस प्रोसेस को हम इंजेशन कहते हैं। The food gets broken down into small pieces with the help of teeth. It helps in easy digestion as well as ingestion and digestion of the food. Our teeth vary in appearance and perform different functions. जब हम खाने को अच्छे से चबाते हैं तो इससे मुंह में ले जाना आसान हो जाता है और डाइजेशन भी आसान हो जाता है। हमारे माउथ में कई पेयर ऑफ टीथ होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। इंसीजर कटिंग एंड बाइटिंग टीथ, ये फ्रंट में प्रेजेंट होते हैं और ये खाने को छोटे टुकड़ों में काटने के काम आते हैं। कैनाइन पियर्सिंग एंड टीयरिंग टीथ, ये दो पेयर होते हैं जो लेफ्ट और राइट दोनों साइड में प्रेजेंट होते हैं। ये थोड़े तीखे होते हैं, पैने होते हैं, जिससे काटने में आसानी होती है। दो दो पेयर मोलर प्रीमोलर होते हैं, ये थोड़े वाइड टीथ होते हैं जिससे च्यूइंग और ग्राइंडिंग में आसानी होती है। इससे नेक्स्ट पेयर होता है मोलर का, ये लास्ट में तीन पेयर भी हो सकते हैं और दो पेयर्स भी हो सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा वाइड टीथ होते हैं जिनसे ग्राइंडिंग का काम किया जाता है। आवर माउथ हैज अ सेलिवरी ग्लैंड विच सिक्रीट सलाइवा, हमारे माउथ में सलाइवरी ग्लैंड होती है जो सलाइवा सिक्रीट करती है। द सलाइवा ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू शुगर, जिसका काम होता है स्टार्च को शुगर में ब्रेक कर देना। वी कैन एक्सपीरियंस इट इफ वी च्यू अ पीस ऑफ ब्रेड फॉर सम टाइम, अगर आप लगातार ब्रेड के पीस को चबाते रहो तो थोड़ी देर में ये आपको स्वीट लगने लगेगा। व्हेन सलाइवा गेट्स मिक्स प्रॉपरली इट टेस्ट स्वीटर, क्योंकि ये इसमें प्रेजेंट स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देगा। लेट अस डू इट एट आवर होम, बच्चों इसे आप करके देखना। टंग इट इज अ फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन अटैच्ड एट द बैक ऑफ द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी, माउथ की बकल कैविटी ऑर्गन अटैच होता है जिसे हम टंग कहते हैं। इट टेस्ट बर्ड्स दैट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ द फूड, इसके पास अलग अलग टेस्ट बर्ड होते हैं जो हमें अलग अलग टेस्ट का पता चलाते हैं। सबसे आगे का पार्ट होता है जो स्वीट टेस्ट करने में हेल्प करता है और साइड में सोर और आगे एजिस पर सॉल्टी और बिटर टेस्ट का पता हमें माउथ के अंदर वाले पार्ट से चलता है। डेंटल केयर गुड हैबिट, इफ यू डू नॉट क्लीन आवर टीथ एंड माउथ आफ्टर ईटिंग मैनी हार्मफुल बैक्टीरिया विल ग्रो इन इट, हमें अपने टीथ को अच्छे से साफ करना चाहिए। अगर हम खाना खाने के बाद इनको साफ नहीं करें तो हमारे माउथ में बहुत से हार्मफुल बैक्टीरिया ग्रो कर जाएंगे। दीज बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द शुगर्स प्रेजेंट फ्रॉम द लेफ्ट ओवर फूड एंड रिलीज एसिड, और ये हमारे माउथ में एसिड रिलीज करेंगे। The acids gradually damage the teeth, और इससे हमारे teeth damage हो जाएंगे। This is called teeth tooth decay, इसे हम tooth decay कहते हैं। Therefore, one should clean the teeth with a brush or dantun at least twice a day and rinse the mouth after every meal. इसीलिए हमें अपने दांतों को दो बार ब्रश करना चाहिए और जब भी कुछ खाएं उसके बाद हमें माउथ को रिंस करना चाहिए। Questions: Why should we chew food properly while eating? While eating, we should chew our food properly. It helps in easy ingestion as well as in easy digestion. Answer 1. How can we take care of our teeth? We should clean the teeth with a brush or dantun at least twice a day and rinse the mouth after every meal. Answer number 2. Question 3. Write one function of each of the following: salivary gland, tongue, molar teeth and saliva. Salivary gland releases or secrete saliva. Tongue, it helps in
taste in the food. And tongue also helps in mixing the saliva with the food so that it can be easily ingested. और इससे ingestion आसान हो जाता है, mouth में food को ले जाना easy हो जाता है. Molar teeth, same as premolar, but these help in chewing and grinding. Saliva, it breaks down the starch into sugar. अच्छा बच्चों, आज की वर्कशीट में इतना ही करना है, जल्द ही नेक्स्ट वर्कशीट के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे.